हाय, ये एक चीज है जिसको हम कहते हैं पुरुत, पुरुत पश्तोबुल भी कहते हैं ज्यादातर केपीके साइड पे, खैबर पख्तूनख्वा में, अफगान में, गिलगित बल्तिस्तान में। ये एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं पुरुत। ये पनीर को डिहाइड्रेट करके इसको बनाया जाता है और अगर आप मेरे मुंह का हालत देखेंगे तो ये सावर बोल है, खट्टा बोल होता है। इसका एक डिश बनता है जिसका नाम है मुलिदा। मुलिदा लफ्ज पंजाब में भी इस्तेमाल करते हैं मुलिदा, और बहुत सारे मतलब है चूरी टाइप का होता है, तो वो आज मैं बना के दिखाऊंगा मुलिदा कैसे बनाया जाता है। तो ये कुरुत और इसी कुरुत का मुलिदा बनाऊंगा आपके लिए, तो इस वीडियो को पूरा आखिर तक देख लीजिएगा और साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी दबाएगा ताकि हर हफ्ता मेरा नया आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। आ जाए, मैं आपको बताता हूँ। इसको हम भिगो लेंगे ऐसे पानी में, भिगो के रख देंगे इसको। अभी हमारे पास ना ये चपातियां हैं, सादा रोटी तैयार किए हुए, ठीक है ना। ये रोटी, ये है वॉलनट, वॉलनट को हमने ग्राइंड किया हुआ है, और ये जो उसको हम कुरुत कहते हैं, कुरुत का जो ना पेस्ट बनाया हुआ है हमने, ये है एप्रिकॉट ऑयल और ये है योगर्ट। तो हम रोटियों को यूं मिक्स करते हैं, मिक्स करने के बाद इसको तोड़ते हैं, तोड़ने के बाद जो ना हम इसको बिल्कुल चूरी बनानी है इसका। जी अभी हम ये रोटी का चूरी बनाए हुए हैं, हम इसमें डालेंगे दही। दही के अंदर ये जो हमने कुरुत का पेस्ट है ये भी डालेंगे। अभी इसमें जो ना ये जो नट्स हमने बनाए हैं, हम जो नट्स भी इसमें डालेंगे। ये अभी ना थोड़ा सा ऊपर से नमक भी डालते हैं, वैसे ज़रूरत नहीं है क्योंकि चपातियों में हमने रोटी वो लगाए हुए हैं। ये प्योर एप्रिकॉट ऑयल जो सेंटर में डालेंगे, ये ये डिश आपके सामने बिल्कुल तैयार है और ये जबरदस्त डिश है। इसके अंदर आप अपनी तरफ से एडिशंस भी कर सकते हैं, इसके अंदर आप जो ना मीट बॉइल्ड करके भी डाल सकते हैं, बहुत जबरदस्त होगा। इसके अंदर दूसरे एडिशंस भी कर सकते हैं, लेकिन इसका जो बेसिक रेसिपी है वो यही है। तो थैंक यू वेरी मच।